हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है कोडिंग और डिकोडिंग। आज हम करने वाले हैं सैनिक स्कूल एंड मिल्ट्री स्कूल क्लास 6 के लिए रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। और इस बार के एग्जाम के लिए रीजनिंग का ये फर्स्ट टॉपिक है हमारा कोडिंग और डिकोडिंग। रीजनिंग का हम सारा सिलेबस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट मी, हेलो माई नेम इज सूरज शर्मा, फेमस टीचर ऑफ रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स एंड आई टीच दी सब्जेक्ट फॉर वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स एंड ऑल्सो फॉर द स्कूल एंट्रेंस एग्जाम लाइक सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, जवाहर नवोदय विद्यालय, राइस स्पोर्ट्स स्कूल, गुरुकुल कुरुक्षेत्रा एंड मैनी मोर। आई हैव 7 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस एंड बेस्ट टीचर अवार्ड 2016, 17 एंड 18 फ्रॉम दैनिक भास्कर। ऑल्सो मैनेजिंग डायरेक्टर एट एसेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट हिसार एंड एसेंट हिसार सैनिक स्कूल कोचिंग विंग। और हाँ, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बहुत ऐसे ही सारे कोर्सेज के लिए। आपको सर्च करना होगा YouTube पे एसेंट हिसार सैनिक स्कूल कोचिंग विंग, ये अपने चैनल का नाम है एसेंट हिसार सैनिक स्कूल कोचिंग विंग और ये अपने इंस्टीट्यूट का भी नाम है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेने से, बेल आइकन दबाने से आपके पास हमारे हर कोर्स और क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। हमारे कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट भी हैं YouTube पे और पेड कोर्सेज भी हैं हमारी ऐप पर, तो उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारा कांटेक्ट नंबर, व्हाट्सएप कांटेक्ट नंबर है 9541079129। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। और आज का हमारा टॉपिक है कोडिंग एंड डिकोडिंग। उससे पहले थोड़ा सा आपको बता दूं कि कंप्लीट कोर्स आप कर सकते हैं अर्थमेटिक का सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, एंड गुरुकुल और जितने भी स्कूल एंट्रेंस एग्जाम है सबके लिए हम पढ़ाते हैं, तो उसके लिए कंप्लीट कोर्स है आपका। YouTube पे भी काफी लेसन मैंने अपडेट किए हैं। हर लेसन, हर चैप्टर से रिलेटेड आपको 15 प्लस क्वेश्चन सॉल्यूशन मिलेंगे, प्लस में बेसिक क्वेश्चंस मिलेंगे। ऐसे रीजनिंग के कंप्लीट कोर्स मैं आपको करवाने वाला हूँ, जिसका आज ये फर्स्ट लेसन है कोडिंग एंड डिकोडिंग। चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं हमारा। तो सबसे पहले कोडिंग और डिकोडिंग के बारे में जिन बच्चों को बिल्कुल भी नहीं पता उनको बता दें कि कोडिंग क्या होता है और डिकोडिंग क्या होता है। एक्चुअल में कोडिंग जो है वो एक तरीके की ऐसी लैंग्वेज है जिसमें हम अपना मैसेज दूसरे तक ट्रांसफर करते हैं और कुछ इस वे से करते हैं कि किसी थर्ड पर्सन को उसके बारे में पता ना चले। जैसे हम बात करते हैं, देखिए हम अपना जनरली बहुत सारे कोड यूज करते हो। जैसे कि आप अपनी क्लास में बात करें, हर क्लास में हर स्टूडेंट को नाम की, क्योंकि नाम सेम हो सकते हैं, इसलिए हम स्टूडेंट को क्या प्रोवाइड करवा देते हैं, रोल नंबर प्रोवाइड करवा देते हैं। रोल नंबर एक्चुअल में क्या होता है, हमारा एक कोड होता है। अगर हम हमारे स्कूल में, अब जैसे अगर आप अपना रोल नंबर किसी, जैसे आप अगर बाहर बताओगे, जैसे मेरे को बता दोगे तो मुझे नहीं पता चलेगा कि आपके बारे में डिटेल क्या है, लेकिन वही रोल नंबर अगर आप अपने क्लास टीचर को बताओगे तो आपके क्लास टीचर को आपका सारा रिजल्ट, आपकी फुल डिटेल कि आपको कि आप कहाँ से हो और आपका नाम क्या है, फादर नेम क्या है, क्योंकि आपकी सारी डिटेल किसके साथ लगी होती है, आपके रोल नंबर के साथ में लगी होती है, तो वो सारी डिटेल आपको पता चल सकती है और किसी और को पता नहीं चलता है। तो इस तरीके से क्या होता है, हम कोड बना ले, हर किसी चीज के कोड बना लेते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि मैंने यहाँ पे कोड बना लिया एक कि क्या आपको कभी डीपीएमई हुआ है, डीपीएमई, तो क्या आप बता सकते हैं कि डीपीएमई का मीनिंग क्या है? क्योंकि ये कोड मैंने बनाया है तो आप जल्दी से इसे सोल्व नहीं कर सकते कि डीपीएमई का कोड एक्चुअल में है क्या, क्योंकि मैंने जो डीपीएमई लिखा है वो एक्चुअल में किसको लिखा है, COLD को लिखा है, कोल्ड। कोल्ड तो आप सभी को हुआ होगा, ठीक है? तो कोल्ड को मैंने क्या लिख दिया, डीपीएमई, और मैंने एक सिंपल सा कोड कर दिया जो बहुत ही आसान कोड है। वो क्या है कि मैंने सी का क्या कर दिया, नेक्स्ट लिख दिया, डी ओ का नेक्स्ट लिख दिया, पी एल के नेक्स्ट लिख दिया, एम और डी का नेक्स्ट लिख दिया, ई। तो इस तरीके से हम ना कोड बना लेते हैं हर तरीके से। आप देखते हैं आर्मी में कोड होता है, देखते होंगे आप मूवी वगैरह में, आपने देखा होगा कि हर जगह वो क्या यूज करते हैं, वो नाम से नहीं बोलते हैं और कंपनी का भी क्या हो जाता है, अपने एक दूसरे से कोड के थ्रू वो कॉन्टेक्ट करते हैं। ताकि जो भी, और जो भी उनका मैसेज होता है तो वो भी किस फॉर्मेट में वो एक दूसरे तक ट्रांसफर करते हैं, वो भी कोड के फॉर्म में ट्रांसफर करते हैं, ताकि वो अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है वो दूसरे तक ना पहुंच पाए। तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन कैसे आएंगे, हमारे यहाँ क्वेश्चन आते हैं, एक तो अल्फाबेट के ऊपर बेस्ड जो कोडिंग आती है, जैसे मैंने आपको बताई अल्फाबेट की कोडिंग है, इसी तरीके से वर्ड सब्स्टिट्यूशन कोडिंग हमसे पूछी जाती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, कोडिंग के कुछ एक बेसिक रूल समझते हैं। जैसे अभी क्या हुआ, अगर कोड को हमने क्या किया, डीपीएम में लिखा, तो हमने क्या कर दिया, उसकी कोडिंग कर दी।
और अगर हम इसका उल्टा करें, यानी जब जब अगर किसी को पता होगा कि एक एक नेक्स्ट करके लिखना है, तो आप क्या करोगे, डीपीएमई का दोबारा से क्या बना लोगे, कोड बना लोगे, तो उसे क्या कहते हैं हम, डीकोडिंग कहते हैं। आपको और अच्छे से समझ में आएगी चीजें जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे। चलिए तो बात करते हैं अल्फाबेट कोडिंग की। अल्फाबेट के जो कोड्स हैं वो किस तरीके से होते हैं, अल्फाबेट का कोड को नंबर में कोड कर लिया जाता है, या कुछ जो है अल्फाबेट को, जैसे अभी हमने किया था कि नेक्स्ट प्लस वन कर दिया, प्लस टू कर दिया, यानी दो का गैप या तीन का गैप बढ़ा करके हम लिख देते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर को करने के लिए आपको अल्फाबेट की पोजिशन को याद करना काफी जरूरी है। जैसे आपको पता है ए बी सी डी आपने जरूर याद की होगी जेड तक, है ना, ठीक है, लेकिन आपने इसे नंबर के फॉर्मेट में याद नहीं किया। अगर मैं आपसे डायरेक्ट पूछ लूं कि बताइए एन कौन से नंबर पे आता है, या टी कौन से नंबर पे आता है, डब्ल्यू कौन से नंबर पे आता है, तो आप नहीं बता पाएंगे। तो वो चीजें आपको वर्बली याद जो करना बहुत जरूरी है, याद करना जरूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको आज अल्फाबेट की पोजिशन ही याद करवाने वाला हूँ। तो वो देखिए क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है, अल्फाबेट की पोजिशन को एक बार के लिए इस फॉर्मेट में लिख लेना है, ताकि थोड़ा सा आपके माइंड में सेव हो जाए कुछ डाटा। उसके बाद देखिए आपको थोड़ा सा टेक्निक यूज करनी है। आपको क्या लिखना है, जैसे कि आपको एक वर्ड लिखना है, ई जे ओ टी वाई, तो हमने ये लिखा ईजोटी, ठीक है। और अब आपको क्या कर लेना है, ईजोटी लिख करके साथ ही साथ क्या लिख लेना है, नंबर लिख लेना है इसके। जैसे ई कौन से नंबर पे है, 5, जे कौन से नंबर पे है, 10, ओ कौन से नंबर पे 15, और टी कौन से नंबर पे 20, और वाई कौन से नंबर पे 25। और इसे आपको याद कर लेना है, एक्चुअल में ये हमारी क्या हो गई है, 5 की टेबल हो गई है। ई कौन से नंबर पे, अब आपको साथ ही साथ थोड़ा सा रिवाइज करना है, ई कौन से नंबर पे है, 5, जे कौन से नंबर पे है, 10, ओ 15, टी 20, और वाई 25। ओके, तो आप मेरे साथ साथ थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, ई कौन से नंबर पे है, ई 5, वाई कौन से नंबर पे है, 25, जे कौन से नंबर पे है, 10, ठीक है, ओ कौन से नंबर पे है, 15, ओके, टी कौन से नंबर पे, 20। अब टी को हम कैसे याद रखते हैं, T20 क्रिकेट मैच होता है ना, तो हम याद रख सकते हैं T20, ओके, 2020 अभी वर्ल्ड कप भी आने वाला है, तो आप याद रख सकते हैं कि टी क्या हो गया, 20, इस तरीके से याद रख सकते हैं। ई क्या हो गया, 5, ई क्या हो गया, 5, ओके, जे क्या हो गया, जे हो गया 10, ओ क्या हो गया, 15, ओ क्या हो गया, 15, और वाई वाई क्या हो गया, 25, ओके, तो आप इसे इस तरीके से याद रख सकते हैं। ओके, कि सपोज करें कि आपका क्या हुआ, एक एग्जाम हुआ, क्या हुआ, एग्जाम हुआ आपका, तो एग्जाम हुआ आपका 26 मार्क्स का, कैसे याद करेंगे, पोजीशन देखिए, इसको याद करने बता रहा हूँ, एग्जाम हुआ आपका 26 मार्क्स का, और जैसे ही आपने देखा, आपको पता है कि जब हमारा एग्जाम होता है, कोई टेस्ट होता है ना, तो घर वालों को हमसे काफी उम्मीद होती है कि हमारे फुल मार्क्स आने चाहिए, स्पेशली किसको, मम्मी को, और पापा को इतनी ज्यादा नहीं, पापा ये सोचते हैं बस अच्छे से लड़का पास हो जाए, बस वही होना चाहिए ना, लेकिन मम्मी को हमसे बहुत ज्यादा उम्मीद होती है। ओके, क्योंकि मम्मी कंपेयर करती है हमारे और हमारे फ्रेंड के मार्क्स को ना। तो इसी तरीके से जब भी मान लो आपका एक टेस्ट हुआ, और आपका टेस्ट हुआ तो आपका क्या हुआ, टेस्ट में आपके मार्क्स आए 25, कितने, 20, कितने मार्क्स आए, 26 में से 25, लेकिन घर जाएंगे ना, घर जाते अगर मम्मी को बताएंगे तो मम्मी क्या कहेगी, वाई 25, क्या कहेगी, Y25, क्या कहेंगे, Y25 भी, 25 भी क्यों आए, एक मार्क और कहाँ गया, है ना। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि Y क्या हुआ, Y25। और उसी केस में अगर पापा से अगर आप बात करते, सपोज करो आपके 26 में अगर आए 15 मार्क्स भी, तो पापा में किस तरीके से बोलते हैं, ओ वाह, ओ 15, आपके 15 मार्क्स आए हैं, तो हमें थोड़ा सा मोटिवेट करते हैं हमेशा पापा, लेकिन मम्मी हमेशा क्या करती रहती है, इस तरीके से हमें बोलती है, इस तरीके से मार्क्स आपके कमाए। तो इससे थोड़ा सा आप लिंक करके भी याद कर सकते हैं। ओके, तो वैसे आप ई ज्योति से याद कर सकते हैं कि ई क्या हो गया, 5, जे क्या हो गया, 10, ओ क्या हो गया, 15, टी क्या हो गया, 20, और वाई क्या हो गया, 25। ओके, चलिए और आगे बढ़ते हैं और याद हम कर लेते हैं। इस तरीके से आप याद कर सकते हो, देखो एच एच देखिए ये क्या बनाया हमने, एच बनाया, एच की तो शेप है ना, वो एक तरीके से किसकी टाइप से होती है, 8 की तरह होती है। तो एच कौन से नंबर पे होता है, एच कौन से नंबर पे होता है, 8 नंबर पे होता है। अब तक जो हमने याद किया वो क्या है, ई 5, जे 10, ओ 15, वाई 25, टी 20। ओके, तो ये हमने याद किया, एच क्या हो गया, 8, एच क्या हो गया, 8। और आप याद कर सकते हो आई 9, आई क्या होता है, 9, आई 9, आई 9, यानी कि आई कौन से नंबर पे आता है, 9, एच कौन से नंबर पे आता है, 8। ओके, और अभी आपकी जो क्लास अगर आपको अच्छे से देखनी होती है, तो आपके फोन में कौन सा इंटरनेट चल रहा होना चाहिए, 7G, कौन सा इंटरनेट चल रहा है, देखो वैसे तो नेट हमारे पास 3G 4G होता है, लेकिन याद करने के लिए हम कर रहे हैं कि
कि आप जब बड़े होंगे तो कौन सा इंटरनेट चलना शुरू हो जाएगा, 7G। तो जी क्या हो गया, 7G। ओके तो जी क्या हो जाएगा, 7। ओके तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं जी की पोजीशन क्या है, 7। एच क्या कौन से नंबर पे आता है, 8। आई कौन से नंबर पे आता है, 9। आई 9, एच 8, जी 7। ओके ओ 15, वाई 25, टी 20, ओके ई 5, जे 10। आपको ना साथ के साथ बोल के याद करना पड़ेगा, जब तक आप बोलोगे नहीं तो याद नहीं होगा। स्टार्टिंग में हमने बोला था ना A4 एप्पल, तब हमें याद हुए थे सारे। थोड़ा सा आपको रिवाइज करना पड़ेगा, इसे बोलोगे तभी आपको याद होगा, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं और याद करते हैं। जैसे कि आप याद कर सकते हैं L, कैसे, 1 1 2 2, L12 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 L12, आपको याद हो जाएगा L12 L12 L12। के से आप याद कर सकते हो आप ना Kings 11 पंजाब। आप क्रिकेट मैच देखते होंगे IPL, Kings 11, तो सभी को पता है बच्चों को, Kings 11 पंजाब। ओके तो के से क्या याद कर सकते हो आप, Kings 11। ओके तो ये आप याद कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं और याद करते हैं अल्फाबेट की पोजीशंस। जैसे कि M क्या है, M तो क्या हो गया, मैं तेरा। आपने गाना सुना होगा, मैं तेरा होने लगा हूं। M क्या हो गया, 13। M क्या हो गया है, 13। 13 मतलब 13, 13 मतलब क्या होता है, 13। 13 को हिंदी में क्या बोलते हैं, 13 बोलते हैं ना, तो M क्या हो गया है, 13। ओके और W, इसी के साथ आप याद रख सकते हो किसको, W को। तो अगर M 13 है तो W क्या है, 23 है, बस 10 का गैप है। W क्या है, वो 23 है। और साथ ही साथ इनके साथ में क्या है, V, वो क्या है, 22। V कौन से नंबर पे आता है, 22 नंबर पे आता है। W कौन से नंबर पे आता है, 23 नंबर पे आता है। M कौन से नंबर पे आता है, 13 नंबर पे आता है। तो आप इनको याद कर सकते हैं। उसके बाद देखिए और इंटरेस्टिंग भी है काफी अच्छा, देखिए Q, Q की पोजीशन आप देखेंगे तो 17 है। तो Q से क्या होता है, Q फॉर क्वीन होता है, क्या होता है, क्वीन। तो एक क्वीन थी 17 ईयर की, 18 ईयर में हमने उसका रिश्ता करवा दिया। रिश्ता आप समझते होंगे ना, एंगेजमेंट। रिश्ता क्या होता है, एंगेजमेंट। तो हमने रिश्ता करवा दिया उसका, और फिर उसकी शादी, शादी यानी कि मैरिज, शादी हमने उसकी करवा दी 19 में। शादी किस में करवा दी, 19। तो S से क्या हो गया, शादी 19 ईयर, R से 18, Q से क्वीन 17 ईयर। ओके और किससे हुई शादी, एक प्रिंस से हुई। प्रिंस कितने साल का था, 16 साल का। P फॉर प्रिंस यानी वो कितने साल का था, 16 साल का था, 16 ईयर। ओके तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। तो और भी जो रह गए उन्हें भी हम याद कर लेते हैं। देखिए ए कौन से नंबर पे आता है, फर्स्ट नंबर पे, बी सेकंड, सी थर्ड, और डी कौन से नंबर पे, 4। ओके और ई के बाद में क्या आता है, देखो ई को हमने याद किया, ई कौन से नंबर पे, 5 नंबर पे। और ई के बाद में कौन आता है, एफ। एफ कौन से नंबर पे, 6 नंबर पे। तो ई के बाद में आता है एफ। और अब आप ये देखिए एफ को अगर आप उल्टा करोगे तो 6 बन भी जाएगा, ठीक है। एफ को उल्टा कीजिए ऐसे, एफ तो ऐसे होगा ना, उल्टा करोगे तो क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। तो एफ आप याद भी रख सकते हो, एफ से क्या होता है, 6 नंबर पे। और डी तक तो फर्स्ट फोर में याद ही हो गए, A1 B2 C3 एंड D4। ओके तो ये हमें याद हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं और याद हम कर लेते हैं। और रह गया अपने पास जैसे N, N कौन से नंबर पे आता है, N आता है 14 नंबर पे। N कौन से नंबर पे आता है, 14 नंबर पे आता है। तो मोस्टली हमने ना सारे के सारे याद कर लिए हैं। ओके तो ये मोस्ट कॉमन है जो मैंने आपको याद करवा दिया। तो जेड हमें पता है, जेड कौन से नंबर पे होता है, जेड होता है 26 लास्ट ईयर। तो वाई को हमने याद कर ही लिया है, डब्ल्यू हमने याद कर लिया, वी टी। एस क्या है, एस से शादी हमने याद किया था 19, आर से रिश्ता, ओके 18 नंबर पे। और ये ना अब रिवर्स पोजिशन है, तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा रिवर्स पोजिशन क्या है। तो रिवर्स पोजिशन का इतना ज्यादा यूज नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको रिवर्स पोजिशन भी करवा दूंगा। तो आज हम इस वीडियो में ना आप क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे, और ये पोजीशंस आप लोग याद कर लेना। पोजीशन याद कर लेने से क्वेश्चन काफी आसानी से सोल्व होने लग जाते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारा है, तो इसे हम सोल्व कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज ब्राउन इज रिटन एज CSPXO, हाउ इज पार्ट रिटन इन दैट लैंग्वेज। तो आप देखिए कैसे लिखा ब्राउन को, BROWN। ब्राउन को क्या लिख दिया, CSPXO। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे ऐसे देखेंगे, देखिए अगर आपको नंबर याद हो गए तो नंबर लिख लीजिए, B2 नंबर पे आता है, R18 नंबर पे आता है, O15 नंबर पे आता है, W23 नंबर पे होता है, और N कौन से नंबर पे होता है, 14। इस तरीके से C3 नंबर पे होता है, S19 नंबर पे होता है, P16 नंबर पे होता है,
और जो x है वो 24 नंबर पे होता है और o जो है वो 15 नंबर पे होता है। अब आप ये देखिए, ये b 2 नंबर पे था, तो 2 नंबर से क्या हो गया 3 नंबर, प्लस क्या कर दिया इसमें 1। ऐसे r 18 नंबर पे था, तो r से 18 नंबर से क्या बना दिया 19 बना दिया, प्लस 1, एक नेक्स्ट हो गया। o के बाद में क्या आता है, o के बाद में p आता है, तो इसमें भी एक नेक्स्ट हो गया। w w के बाद में भी क्या कर दिया इन्होंने, एक नेक्स्ट कर दिया, डब्ल्यू के बाद में प्लस वन कर दिया। ऐसे ही एन एन में भी क्या हो गया, एन में भी एक प्लस हो गया। ओके, तो वन वन प्लस इसमें कर दिया गया। तो यानी कि जो कोडिंग हमने यहाँ जो एक जो एग्जाम्पल हमें दिया गया था, जो एग्जाम्पल में जो कोडिंग दी होगी ना, वही कोडिंग हमें क्या करनी होगी, नेक्स्ट में जो पूछा उसमें करनी होगी। तो पार्ट में भी हम ऐसा ही कुछ कर देंगे, PART पार्ट लिखेंगे, और पार्ट में भी हम ऐसी ही कोडिंग कर देंगे। जैसे पी कौन से नंबर पे होता है, पी के बाद आप डायरेक्ट देख लो नंबर, अगर ना भी याद हो तो भी आप कर सकते हो। P16 के प्लस में 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 17, और 17 नंबर पे कौन आता है, क्यू आता है। ए फर्स्ट नंबर पे होता है तो सेकंड नंबर पे कौन आता है, बी। आर होता है 18 नंबर पे, 18 के बाद 19 पे कौन आता है, एस। और टी के बाद में क्या आ जाता है, यू। ओके, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो आंसर आ गया QBSU। तो ऑप्शन देखिए, ये ऑप्शन बी बन रहा है, QBSU, तो ये अपना सही आंसर हो गया। तो ये था कोडिंग का पहला क्वेश्चन। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज नोएडा इज रिटन एज STNIF, तो मेरठ को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार के लिए, आपको लिख करके देख लेना होगा, NINOIDA। इसको आपने क्या लिखा, STNIF। तो आप ये देखिए, ये 14 नंबर पे होता है, ये 15 नंबर पे होता है, I 9 नंबर पे होता है, D 4 नंबर पे होता है, A कौन से नंबर, 1। S 19 नंबर पे होता है, T 20 पे होता है, O 14, और I 9, और F क्या होता है, 6। तो नंबर आप याद कर लेंगे तो काफी आसानी से कर पाएंगे। तो देखिए 14 to 19, तो कितना प्लस कर दिया इसने, 5। 15 के बाद देखिए 15 to 20, यानी कितना प्लस कर दिया, 5। तो 5 5 प्लस कर रहा है, 5 5 यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें प्लस हो रहा है। ओके, आप देखेंगे 4 प्लस 5 कितना हो गया, 9। तो ए प्लस में 5 करेगा तो कितना हो जाएगा, 6। तो 5 5 इसने सब में प्लस कर दिया, तो आप भी क्या कर देंगे, इसमें सब में 5 5 प्लस कर देंगे, MEERUT। इसमें 5 प्लस करेंगे, 13 नंबर पे होता है, इसमें 5 प्लस करेंगे, 13 और 5 18 होता है, तो 18 नंबर पे कौन आ जाएगा, सबसे पहले R आ जाएगा। फिर 5 नंबर पे होता है E, दोनों में 5 5 प्लस करेगा तो 10, 10 पे कौन आता है, J, तो J J आ जाएगा दोनों पे। फिर R, R होता है 18 नंबर पे, प्लस 5 करोगे तो 18 प्लस 5 होता है 23, 23 पे कौन आता है, W। 20 E जो U जो होता है वो 21 पे होता है, प्लस 5 करोगे तो 26, 26 पे कौन आता है, Z। और T होता है वो 20 नंबर पे होता है, प्लस 5 करोगे तो क्या आ जाएगा, 25, 25 पे कौन होता है, Y। तो आंसर बन गया R J J W Z Y। ओके, तो R J J W Z Y, तो ऑप्शन सी है वो अपना करेक्ट आंसर हो गया है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं कोडिंग और डीकोडिंग के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पिक्चर को क्या लिखा गया है, तो अब आप यही देख लेते हैं, पिक्चर को क्या लिखा गया है देख लेते हैं, PICTURE। थोड़ा सा गैप देके लिख रहे हैं क्योंकि हमें इनके ऊपर नंबर लिखना है। ओके, इसको लिखा है QHDSVQF, तो नंबर लिखना है 16, I 9, C 3, 20, 21, 18 and 5, 17, ओके, 8, 4, S 19, V 22, Q 17, और F क्या हो जाएगा, 6 नंबर पे। तो सबसे पहले आप ये देखिए, 16 टू क्या बन दिया, 17 हो गया, तो प्लस 1 कर दिया हमने। अब ये नहीं देखना भी स्टार्टिंग में देख लिया तो प्लस 1 ही होगा सब में, नहीं, कोई जरूरी नहीं है, कोड अलग हो सकते हैं। अब 9 से क्या हो गया, 8, अब इसमें देखिए -1 हो गया, कम कर दिया। अब 3 टू कितना हो गया, 4, अब इसमें +1 कर दिया। 22 कितना हो गया, 19, अब इसमें माइनस कर दिया, यानी एक में प्लस हो रहा है और एक में क्या हो रहा है, माइनस होता जा रहा है, अब इसमें प्लस हो गया, और आर वाले में क्या हो गया, माइनस हो गया, ठीक है, और इसमें क्या हो गया है, एक। मैं तो आपको एरो लगा करके बता रहा हूँ, आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा देख सकते हैं इसे +1, आप नंबर से ही सीधा देख सकते हैं इसमें
जो है प्लस हो रहा है, इसमें माइनस हो रहा है, इसमें प्लस हो रहा है, इसमें माइनस हो रहा है, इसमें प्लस हो रहा है, इसमें माइनस हो, इसमें प्लस। तो मैंने तो ये सब इतना सब कुछ किया, आपको इतना सब कुछ करने की जरूरत है नहीं है, सिर्फ मैंने तो आपको समझाने के लिए किया है। तो आप इसमें अब देखिए, अब हम यही सोल्व कर लेंगे इसको। जैसे जो बी कौन से नंबर पे होता है, टू नंबर पे, तो इसमें क्या करेंगे, एक प्लस बस इस पे ये लगा लो, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस। सबसे पहले प्लस करेंगे तो बी के बाद में कौन आ जाएगा, सी। आर से पहले कौन आता है, आर से पहले कौन आता है, वो आता है क्यू। ओके, ओ के बाद में कौन आता है, वो आता है पी। डब्ल्यू से पहले कौन आ जाता है, डब्ल्यू से पहले वी। एस, एस के बाद में कौन आता है, टी, सॉरी माफ कीजिए, एस के बाद में आता है, हाँ ठीक है, एस के बाद टी। ओके क्लियर है, एस के बाद टी। ई के बाद में कौन आता है, ई के बाद, ई से हमें पहले देखना है, ई से पहले कौन आ जाता है, डी। और आर के बाद में कौन आता है, आर के बाद में आता है एस। तो अपने पास बना, दोबारा लिखते हैं, सी क्यू पी वी, ये अपना टी था यहाँ पे, टी डी एस, ये बन गया, ये बना अपना ऑप्शन सी ना, सी क्यू पी वी आना चाहिए, तो ये बन गया सी क्यू पी वी टी डी और एस, तो ये बना ऑप्शन बी, ये करेक्ट आंसर हो गया अपना। ओके अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ब्रेक डाउन इज रिटन एज दिस। तो आपको हमेशा ये भी नहीं देखना, आप देखिए इसके जितने अल्फाबेट है ना, वो सारे के सारे अल्फाबेट यहाँ रिपीट हो रहे हैं, देखो सारे अल्फाबेट। तो हर बार ये नहीं देखना अभी नंबर में ही कुछ प्लस माइनस हो रहा है क्या, आप वर्ड्स की अरेंजमेंट भी देख सकते हो। अब इसके सारे के सारे अल्फाबेट इसमें आ रहे हैं देख लो, तो सिर्फ क्या हुआ है, लास्ट से उठा के लिखना शुरू कर दिया। सबसे पहले एन लिख लिया है, फिर क्या लिख दिया है, डब्ल्यू लिख दिया है, फिर क्या लिख दिया है, ओ लिख दिया है। तो इस तरीके से आप उल्टा लिखना शुरू कर सकते हो। तो इसमें क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, एस, फिर क्या लिखेंगे, ई, फिर क्या लिखेंगे, एल। तो इस तरीके भी कोडिंग हो सकती है। फिर क्या आ जाएगा, जी, फिर क्या आ जाएगा, एन, फिर क्या आ जाएगा, ए, उसके बाद में क्या आ जाएगा, आई, उसके बाद में आर, और उसके बाद में क्या आ जाएगा, एट लास्ट टी। तो ये अपना आंसर बन जाएगा। ओके तो आंसर देख लेते हैं, एस ई एल जी, ये नहीं बना क्योंकि इसके अंदर तो क्या आ गया, आगे यहाँ पे एन आ रहा, तो ये बन जाएगा एस ई एल जी एन आई आर टी, तो ये बन गया ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर अपना हो गया है। ओके तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज क्राउड सी आर ओ डब्ल्यू डी इज रिटन एज डी क्यू पी वी ई। तो इस क्वेश्चन को आपको करना है और इसका कमेंट में आंसर आपको लिखना है, देखने हैं कितने बच्चे इसे सोल्व कर पाते हैं। तो आज मैंने साथ में कुछ आपको क्वेश्चंस करवाए, तो आप कोडिंग डिकोडिंग पार्ट टू जब हम पढ़ेंगे तो मैं आपको अलग से 15 क्वेश्चंस उसमें सोल्व करवाऊंगा, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। हाँ आप एक बार पोजिशंस को याद कर लीजिए, ठीक है, रिवर्स ऑर्डर की पोजिशन रह गई तो वो रिवर्स की भी पोजिशन मैं आपको याद करवा दूंगा। ओके बाकी हमारे पेड कोर्सेज के लिए जिसमें हम 100 प्लस क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, तो उसके लिए 9541079129 पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको पूरी डिटेल वहां पे मिल जाएगी और आप वो कोर्स परचेज कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, कीप लर्निंग।